सो व्हाट्स अप गेमर, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और यार लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं देखी है तो देख लो जाके, बहुत अच्छी बनी थी वो वीडियो भी मैंने, जिसमें अपन बने थे बिकमिंग पुलिस फॉर 24 आवर, और उस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मजा आया था। ठीक, अब देखो यार, सीन ये हुआ था कि अपनों ने, क्योंकि अपने पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, तो अपनों ने गाड़ी चुराई थी एक शोरूम से, मतलब चोरी की थी एक्चुअली में, वहाँ से अपनों ने, कोई उस शोरूम के अंदर कोई था नहीं, उस शोरूम का ओनर वगैरह कोई भी, तो वो गाड़ी चोरी की थी अपनों ने। अबे साले, तो यार देखो, पुलिस की जॉब तो चली गई अपनी, क्योंकि 24 आवर के लिए ही बने थे अपन, तो अब देखो, क्योंकि वो गाड़ी अपनों ने यहाँ पे पार्क की थी इस पार्किंग लॉट में, तो इस एक तो इस गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, मतलब इसको ठोक ठोक के, मतलब बहुत ही, देखो मैं आपको बताऊँ ना अगर ध्यान से, तो देखो पीछे के, देखो अभी ऐसे आपको दिखेगी नहीं अच्छे से, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये देखो, ये फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं गाड़ी यहाँ से लॉक करके गया था, ताकि कोई गाड़ी अपनी, हर बार की तरह जो अपनी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो गाड़ी चोरी ना हो जाए, इसलिए भाई मैं यहाँ पे गाड़ी को लॉक लगा के गया था, लेकिन दैट्स इट। और बस अपन यहाँ से गाड़ी लेते हैं, और सबसे पहले तो इस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं अपने शोरूम, मतलब अपना जो गैराज वहाँ ले चलते हैं, तो वो जो है ना बाकी अपने बंदे, मतलब अपने अपने गैराज में कौन है यार, एक तो मैं नाम वाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। ओ भाई स्टार लग गया, चीट 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 चीट, आएगा क्या पीछे? वो अंदर कहाँ चला गया? वो जा रहा, देखो कि नहीं नहीं ये दूसरा था। ओके चलो जो भी हो, अब ना इनसे कोई मतलब नहीं। अब देखो यार गाइस, आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि आप जीजी को जानते हो ना? नहीं। जीजी वही क्लब का ओनर, जिसके तीन, जो मतलब जिससे अपने को दोस्ती करके उसको, मतलब उसकी सारी हिस्ट्री, सारे बायोडाटा सब कुछ निकालना है अपने को, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना है, क्योंकि ड्रग सप्लाई का कार्य वही, मतलब कार्य बोल रहा हूँ मैं, देखो पता हिंदी मत देखो तुम, तो बोल रहा है। चलो इस गाड़ी को अभी नहीं दे रहा हूँ मैं गैराज में, मतलब रिपेयर करवाने के लिए अभी नहीं दे रहा हूँ, इस गाड़ी को अपने को शोरूम वाले को रिटर्न भी करनी है, तो शोरूम वाले को रिटर्न कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो आज अपना जो भी काम है वो इस गाड़ी से ही निकालते हैं, क्योंकि यार सुपर कार चलाने का मौका पहली बार ही मिला है अपने को। अबे साले, तो देखो वेदर काफ़ी फोगी सा वेदर हो रहा है यार, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, वेदर आपको अगर अच्छा नहीं दिख रहा हो तो, और भाई मैं क्यों और खटारा करे जा रहा हूँ इस गाड़ी को, चलो खटारा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, तो वो जो जीजी बंदा है उसके एक बंदे को और मिलना था अपने को, जो कि वो बोल भी रहा था कि भाई हम दो बंदे को से तो अपन मिल लिए थे, उसके एक जीजी से मिल लिए थे, और एक और उसका जो टीममेट जो टकला, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उससे मिल लिए थे, और वो बोल रहा था कि मेरा एक और टीममेट है, और उसके एक और टीममेट को अपने को पता थी, जो कि अननोन भी था, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने तीन फोटो जब वहाँ पे अपने वूजी को दिखाए थे, तो वूजी को भी पता नहीं था एक्चुअली में कि वो तीन बंदे कौन है, उसको भी दो बंदे के बारे में पता था, और जो तीसरा बंदा था वो बोली सीक्रेट बंदा था, ठीक है ना, वो मतलब, ओ भाई भाई भाई, 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 भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ओ शीट, ओ भाई शीट 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 शीट, गाड़ी फट गई। ओ भाई अब क्या देंगे अपन शोरूम वाले को रिटर्न? अरे देखो गाड़ी। अबे लोल, अबे ये क्या सीन है बे, एक तो पहले तो पैसे है नहीं, और नुकसान नुकसान अलग ही हुए जा रहे, मजा आया। सो है गाइस यार, फाइनली अपन बहुत कुछ, मतलब घूम घुमा के आ गए अपन, मतलब थोड़े और दूर है अभी, एक्चुअली आए नहीं है, थोड़े से और दूर है, और जीजी के अपन बहुत करीब जाने वाले। तो यार वो जो तीसरा बंदा था, जो कि एक तरह से मिस्ट्री बना हुआ है, मतलब कि कौन है वो तीसरा बंदा, और सुनने में अपने को ये भी पता चला है कि देखो मेन बंदा जीजी तो है ही है, लेकिन जो मेन बंदा है ना, जो मेन है इनकी टीम को पूरे सबको लीड करने वाला, वो भाई कोई और है, और वो ही है वो तीसरा सीक्रेट बंदा, और उसी से अपन आज मिलने जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? छोड़ो उस गाड़ी को और चलते हैं अपन जीजी के पास में, और देखते हैं क्या सीन होता है। A few moments later. So hey guys, यार देखो मेरी अभी जीजी से बात हुई है, इसका नाम जीजी ही आई थिंक है ना। और भाई प्लीज कुत्तों मत भोको यार बैकग्राउंड में से। 12 बजे, 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रात के 2:30 बजे, 2 बजे फिर भी चैन नहीं है इनको, इनको भगा के आऊँ क्या मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यार सबसे पहले तो मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे खड़ी की थी ना, वो कौन उठा गया यार, एक तो यार भरोसा ही नहीं है किसी के भाई कहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं अपन, और क्या सीन है। सो गाइस देखो मैं बताता हूँ, जो तीसरा बंदा है उसका नाम है माइक टोरियनो, और भाई उसको अभी अपनों को लेने जाना है, क्योंकि भाई एक तो मैं उससे मिलने आया था, लेकिन सीन कुछ उल्टा हो रखा है यहाँ पे, उल्टा ये हो रखा है कि उसको किसी बंदों ने किडनैप कर रखा है, तो अपने को पहले तो उसको छुड़ा के लाना है, ठीक है। अब ये जो बंदा अपने पास बैठा है इसका नाम है टी बोन, ठीक है, तो टी बोन और जीजी इन दो बंदों को अपन पहले से जानते हैं, इन दोनों से अपन मिले हुए, और जो तीसरा बंदा है जो मेन हेड है इनका सब कुछ है, वो है माइक टोरिनो, जिससे अपन मिलने जा रहे हैं अभी, और जिसको एक्चुअली न्यू बोला जाए कि उसको छुड़ाने जा रहे हैं अपन।
ठीक है, बचाने जा रहे हैं। और ये जो बंदा है ना, ये गाड़ी में बैठे बैठे उसका जो फ़ोन है उसको, उसके फ़ोन के सिग्नल को ट्रेस कर रहा है, क्योंकि भाई वो उसकी लोकेशन हमको पता नहीं है और उसको किडनैप करके कहाँ ले गए वो भी पता नहीं, लेकिन भाई ये गाड़ी में बैठा बैठा उसको ट्रेस कर रहा है। तो भाई जहाँ से सिग्नल आ रहा है वहाँ चलते हैं, जहाँ से ये सिग्नल बता रहा है मुझे, जहाँ जाके लोकेशन ये बता रहा है, तो वहाँ वहाँ चलते और ढूंढते, उसको अगर मिलता है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई उसको मिलना भी, और देखते यार इतनी कितनी बड़ी हस्ती है। और यार कुत्तों यार मत भूको यार, मैं कसम से मैं जानवरों को बहुत अच्छे रखता हूँ यार, ठीक है, मैंने मारा नहीं कभी कुत्तों को, लेकिन अभी भी नहीं मारूंगा एक्चुअली मैं तुमको, लेकिन प्लीज़ यार मत, क्यों काम ख़राब कर रहे हो मेरा। ओ भाई ये कौन सी गाड़ी है? ओके मैक्लेरन, भाई मैक्लेरन के कितने एडिशन चला रहे हैं लोग, मतलब देखो इस कंट्री को मैंने गरीब कंट्री बोला था लास्ट वाली वीडियो में कि भाई बहुत गरीब है, एक्चुअली कंट्री को नहीं यहाँ के लोगों को, तो भाई बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन यार सब लोग नहीं है, कुछ कुछ लोग बहुत गरीब है। और भाई ये एरिया तो अपना ही है यार, ये देखो ये अपने गैरेज का बैक साइड है, ये देखो ये अपना गैराज है, और भाई यहाँ की लोकेशन आ रही है। अबे ये क्या, अबे लोकेशन यहाँ की नहीं है, डॉक की लोकेशन है, अपने को जाना पड़ेगा समुद्र के वहाँ पे, मतलब ओके भाई गलत सीन। चल लोकेशन तो मिल गई अपने को, सेकंड लोकेशन भी, लेकिन भाई यहाँ गलत लोकेशन क्यों आ रही थी फिर? अरे मत टाइम पास करो भैया, जाने दो हमको। सर गाइस सेकंड लोकेशन यहाँ डॉक की है, तो यहाँ समुद्र के इन डॉक्स पे क्या कर रहा है तू? अबे क्या है बे, यहाँ पे भी नहीं है लोकेशन, और ये सिक्योरिटी गेट, अबे क्या बोले जा रहा है, 2 मिनट है भाई, 2 मिनट में उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। ओके ओके लोकेशन मिल गई, एयरपोर्ट की लोकेशन मिली है तीसरी। तो भाई यार माइक भाई कसम से इस बार लोकेशन तेरी सही होनी चाहिए यार, क्योंकि 2 मिनट है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तेरे को ढूंढने के लिए। और यार इतना मत पका यार, क्यों पका रहा है, मतलब ठीक है मैं हमारा मतलब हम मैं तेरे अंडर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार ऐसे घुमाओगे तो है ऐसा अच्छा नहीं लगता है। 5 minutes later अबे इसको किसने मार रखा है? हेलो ओके मैं समझ गया भाई, इसको किसने मार रखा है मैं समझ गया। तो भाई सिग्नल इधर अंदर से आ रहा है, तो सिग्नल की तरफ चलते पहले तो, और उसको भाई जिन बंदों ने माइक टोरनो को किडनैप कर रखा है ना, तो उनकी गाड़ी अंदर लाने के लिए, क्योंकि भाई अंदर क्या शायद मतलब मेरे को लग रहा है कि उन बंदों का प्लान क्या है पता है, माइक टोरनो को यहाँ से एरोप्लेन में बिठा के और वो कहीं किसी और कंट्री ले जाने की सोच रहे हैं। लेकिन भाई अपन 1 मिनट है अपने पास, 1.5 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट 30 सेकंड, तो उसको ढूंढते। और भाई सिग्नल सही आ रहे क्या? नहीं नहीं, इधर सिग्नल टूट रहा है भाई, इधर से सिग्नल डाउन हो रहा है। तो चलो जिधर भी सिग्नल आ रहा है उधर चलते हैं भाई, 1 मिनट 15 सेकंड में टाइम बहुत कम है। तो यार इन जिन बंदों ने उसको किडनैप किया ना, इनका प्लान यही था कि इसको किडनैप करके कहीं और ले जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गेट पकड़ा हुआ। और भाई इधर तो सिग्नल ही नहीं है। हेलो, अच्छा मैं गलत आ गया। ओ भाई 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 गलत आ गए। भाई 56 सेकंड है, उधर जाना है अपने को भाई, इधर तो रास्ता भी नहीं, उधर से जाना पड़ेगा फिर से पूरा घूम के। भाई मत सिग्नल जाना मत यार, वो ऐसा नहीं कि एरोप्लेन में बिठा के निकल ले भाई पहली फुर्सत में, और अपन भाई हाथ मलते रह जाए, और भाई उससे भी भरोसा उठ जाए अपना। तो किधर है सिग्नल? वो सिग्नल फूल आ रहा है। ओके गाड़ी। अच्छा इस गाड़ी में ले जा रहे क्या उसको? हेलो, अरे रुको बे। चलो अब टाइमर खत्म हो गया, एक्चुअली अपनों ने इनको ढूंढ लिया है ना, तो इसलिए टाइम हो गया है अपना, क्योंकि अपनों ने ढूंढ लिया माइक को, और माइक आई थिंक इसी वैन के अंदर होना चाहिए। अभी मारना नूब, क्या कर रहा है? मैं मारूँ क्या? ओके उतर। अरे अरे मार। ओ भाई साहब हेल्थ खाली कर दी भैया, अब भी मिलते हो भाई, पुलिस आ गई यहाँ पे। तो माइक वैन के अंदर, चलो निकालते इसको भाई, पुलिस अपने पीछे स्टार लगे हुए। ओके अबे पागल वागल हो गया क्या, ये मेरे ऊपर क्यों गन निकाल रहा है? अच्छा इसको पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ भाई, तो इससे इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपना, इंट्रोडक्शन करते इससे, और अपन कौन है वो भी बताते इसको, ये कौन है ये भी अपन पूछ लेते इससे, वैसे तो अपने को पता है कि ये कौन है। लेकिन भाई अब भाई अलग ही सीन हो गया, इधर अपने पीछे स्टार लग चुके हैं, तो इनके फाइट को ख़त्म करते। A few moments later. So, hey guys, यार अपने पीछे डिस्ट्रॉय द वैन, सबसे पहले इस वैन को डिस्ट्रॉय करना है इससे पहले कि पुलिस आ जाए। तो भाई अरे इसको मत मार, वैन डिस्ट्रॉय कर। अबे कितनी गोली मारनी पड़ेगी भाई इसको। अबे तुम क्या कर रहे हो, मारो मैं फोड़ दूँ क्या? चलो बहुत बढ़िया। और भाई 2 स्टार लग चुके हो, इसको बिठा दे इस गाड़ी में, और भाई इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए,
उससे पहले अपने को इसको एयरपोर्ट से निकालना है और फटाफट इसको ले जाते हैं जीजे के पास में और मिलाते उससे और बोलते कि भाई देखो कितना मतलब खुशी का काम किया हमने तेरे लिए। ओ भाई साहब, सो गाइस 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 गाइस, ये क्या सीन है? अबे तीन स्टार लग चुकी है अपने पीछे भाई। गलत सीन, गलत सीन, गलत सीन, गलत सीन, गलत सीन मेरा भाई। अरे मैं स्टार तो देखो, पुलिस तो चली जाएगी थोड़ी देर, इनको घुमाएंगे अपन ना सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, तो भाई ये तो भाग जाएंगे। लेकिन प्लीज़ यार गाड़ी को ब्लास्ट मत कर देना भाई। गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई थोड़ी बहुत भी, और गाड़ी थोड़ी भी ठुकी अपनी, तो भाई पहले धुआं निकल रहा गाड़ी के अंदर से। मत 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 तेरा। ओ भाई मैं कसम से वाइट गाड़ी वाले तेरे को छोड़ता नहीं अभी, मैं अगर अभी बहुत अर्जेंट नहीं होता तो यार देखते हैं पुलिस कब तक चली जाती है। One hour later. तो है गाइस यार देखो, अपनी अपना देखो गैराज अपना ही यार, ठीक है। तो अपनी गैराज के अंदर अपनों ने गाड़ी को पेंट करवाया थोड़ा बहुत, और भाई सीन ही खत्म। पुलिस गायब यहाँ से और पुलिस हट चुकी है अपने पीछे से। तो चले चलते हैं अपने, एक तो हेल्थ बहुत कम है अपनी, और जीजी के पास चलते हैं और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या कहता है। और अपन माइक से भी मिल लिए, और भाई माइक टोरेनो जो है ना, ये इसकी जो भी मतलब यहाँ की गैंग है, जिस गैंग की अपनों को अच्छे से जिस गैंग के बारे में पता करने के लिए अपन इनके साथ शामिल हुए, तो उस गैंग का अपने को एक और चीज़ पता चली कि जो मेन हेड है, मेन जो उसका ऑपरेटर है वो ये जीजी क्या, ये जो माइक टोरेनो ना ये है। और भाई इससे भी क्या करते हैं, इसका क्या सीन करने वाले अपन को, तो बात की बात है। लेकिन अभी तो अपने को सारा जो सीन है, सारा जो मामला है वो शॉर्ट करना है, क्योंकि बालास गैंग का आपको पता है। सो है गाइस जी, ये मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा ही था कि अपने पास देखो, अपन लिबर्टी सिटी में भी कुछ ऐसा कुछ खास काम करते नहीं थे, ठीक है। और अपन लॉस सैंटोस आए, उसके बाद देखो यार अपने को खुद का एक बिजनेस भी खड़ा करना है, और पैसे वैसे की भी ज़रूरत है। तो ये धीरे धीरे इन छोटे मोटे कामों से कर करके देखो अपना बालास गैंग से बदला भी पूरा होता जाएगा, उससे भी करते रहेंगे अपन, और धीरे धीरे पैसे भी आते जाएंगे। तो उसके बाद अपने पास कारें, बंगले, घर वर सब, और अपना खुद का बिजनेस वगैरह सब कुछ अपन खड़े कर देंगे धीरे धीरे। तो यार आप जस्ट वीडियो को सपोर्ट करो, और कुछ नहीं, आप जस्ट वीडियो को देखो, और आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हो सके तो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और भाई यहाँ पे देखो क्राउड कितना ज़्यादा है, ये मतलब यहाँ पे घूमते रहते हैं शाम के इस टाइम पे। और इस जहाज को देखो, इस जहाज को देख के कुछ याद आया, इसी के ऊपर से अपन वो, इसी जहाज के ऊपर अपन बग फिक्स करके नहीं आए थे, इसके ऊपर से अपन वो टीम को अपने को उसको छुड़ा के लाए थे, याद है आपको, उन बंदों को वूजी मुँह के बंदों को छुड़ा के लाए थे इसके ऊपर से। तो चलो जो भी है गाइस, आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।